वेलकम बैक टू माई चैनल पी डॉट प्रिया बीडी सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल वेल। आज मैं जो आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को मॉनसून में क्या क्या इसेंशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप लोगों को क्या थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने स्किन केयर रूटीन में या अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। फाउंडेशन हम नॉर्मली कोई भी घर में लगाना पसंद नहीं करता, पर अगर हमें बाहर कहीं जाना है सो सब लोग फाउंडेशन की तरफ ही जाते हैं। पर फाउंडेशन यूज़ करते हुए एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको फाउंडेशन लाइट वेट यूज़ करना है, या फिर आप लाइट वेट क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीबी पॉन्ड्स क्रीम। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है और बहुत ही अच्छा बेस बना देती है हमारे फेस पे, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट होता है, लगता भी नहीं कि आप लोगों ने कुछ लगाया हुआ है। मैंने इसके मेकअप ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये बीबी पॉन्ड्स हो गई। और सेकेंड नंबर पे जो प्रेफर करती हूँ मैं मॉनसून में, वो है हमारा ओलिविया का पैनकेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस पैनकेक की खासियत क्या है, पैनकेक लगाने के बाद आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करना पड़ता, ये एक मैट बेस बना देता है हमारे फेस पे, जो कि हमारे फेस के ऑयल को कंट्रोल करता है, स्वेट इतनी जल्दी नहीं आने देता और हमारा जो मेकअप है वो एकदम परफेक्ट लगता है। तो इसको प्रेफर करती हूँ। तो ये थे दो ऑप्शंस जिसको आप यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन की जगह, या फिर एक और, कई लोग होते हैं जिनको फाउंडेशंस या बीबी क्रीम्स वगैरह लगाना पसंद नहीं है या उनके पास इतना टाइम नहीं होता। सो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मॉनसून में, आप क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाएं अपने फेस पे और उसके तुरंत बाद यूज़ कर सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर मैट फिनिश में आता है, या फिर ओलिविया का मैट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर, जैसे कि मेरे पास ये है, ये ओलिविया का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये आप देख सकते हो, ये ओलिविया का पाउडर कॉम्पैक्ट है, ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर अवेलेबल है मैट फिनिश में आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। सो आपको ज़्यादा कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बाहर इजीली जा सकते हैं, और जिससे कि आपके फेस पर एक अच्छा सा बेस बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मेकअप, अगर हम मेकअप की बात करें, अगर हम बाहर जाते हैं तो मेकअप आप जितना हो सके मैट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैट से क्या होता है, मैट हमारे ऑयल को कंट्रोल कर लेता है या फिर स्वेट को कंट्रोल कर लेता है, और पानी में या स्वेटिंग में वो बहता नहीं है। तो मैट ज़्यादा चीज़ें यूज़ करें, वाटरप्रूफ चीज़ें यूज़, जैसे कि ये आईलाइनर है, ये वाटरप्रूफ है और क्विक ड्राइंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो काफ़ी जल्दी लग जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये, और रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है। और ये है ब्लू हेवन का ही मस्कारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्विक ड्राइंग है और बहुत अच्छा है, ये भी वाटरप्रूफ है। सो ये थे लाइनर और मस्कारा। और अब मैं बता देती हूँ आपको मैट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं। मैट में आपको यूज़ करनी है लिपस्टिक्स, जो कि मेरे पास इस टाइम जो मैं ज़्यादा लगाती हूँ वो है स्टे क्यूट की, और ये आप देख सकते हैं ये नंबर 7 जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है। सो आप जितना हो सके उतना मैट प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश करें, उससे क्या होगा, उससे आपका मेकअप वाटरप्रूफ रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको जब भी मेकअप रिमूव करना हो, अगर आप लोगों की एक्ने या पॉन्ड स्किन है, तो आप यूज़ कर सकते हैं सेटाफॉल, बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से स्किन को क्लेंस कर देता है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं क्लिंजिंग वाइप्स, जिससे कि मेकअप ईजिली रिमूव हो जाए जल्दी से। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिस हम लोगों को अपने CTM रूटीन में फॉलो करनी है दो चीज़ें, क्ले मास्क। क्ले मास्क आप लोग, मेरे पास इससे अवेलेबल है कैफीन, और ये है मेरे पास तजोरी का टर्मरिक पैक। तो ये दो पैक हैं जो कि मैं हफ्ते में दो बार लगाती हूँ। अगर आप लोग इसके साथ चाहें तो आप
कुकुम्बर का, नीम का, तुलसी का, इन सब के भी पैक्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी पैक आप जो भी कंफर्टेबल हो जिसमें, लेकिन तुलसी और खीरा ये क्या काम करते हैं, ये आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को खींच लेते हैं, जो भी डर्ट होती है उसको क्लीन कर देते हैं। एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। सो आप इन पैक्स को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को पैक हफ्ते में दो बार ज़रूर यूज़ करना है, वो आपकी चॉइस है। आपकी स्किन पर जो पैक सूट होता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे मेरे कुछ मेकअप एसेंशियल जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमें थोड़ा सा चेंज करना अपने मॉनसून स्किन केयर रूटीन में या फिर अपने मॉनसून मेकअप रूटीन में। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोग मेरी वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रह सकें। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मॉनसून में आप मेकअप कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।